नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कहां कहां और किस तरह संपन्न हुआ लोकतंत्र के आखिरी महापर्व का ये महायज्ञ। दर्शकों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, बड़नगर, रतलाम, मंदसौर, नागदा में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साझा समन्वय और मतदान केंद्रों पर निरंतर मुस्तैदी के साथ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश की हर सीट पर मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ और साथ ही इस बार जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं के लिए मतदान से पूर्व चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान के चलते पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखा गया, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा लगभग 75.52% तक दर्ज किया गया है, जो कि जिला प्रशासन के मतदाता जागरूकता के प्रयास और जागरूक मतदाताओं की संख्या में वृद्धि को स्पष्ट उजागर करता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही मतदाताओं के शांति और सहयोगपूर्ण रवैया भी साथ में देखने को मिल रहा है। 8 सीटों पर कहीं भी किसी तरह की विवादास्पद स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, कहीं कहीं ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी की बात जरूर सामने आई, लेकिन सभी 8 सीटों पर प्रदेश के कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न और सफल हुआ। खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान ने अपने पैतृक गांव शाहपुर में मतदान केंद्र क्रमांक 266 में अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा किया और कहा, जनता ने अपना फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बुरहानपुर से तफजल हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के समय से चर्चा में आए बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र शीश शेरा ने नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र के झीरी गांव के बूथ क्रमांक 52 पर अपनी पत्नी व बेटी के साथ पहुंचकर वोट डाला। गौरतलब है, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन अरुण यादव की राजनीतिक दुश्मनी के चलते उनका टिकट कट गया था, लिहाजा निर्दलीय चुनाव जीता। नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, जरूरी है वोट डालना। आज इस देश के हित के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालना बहुत जरूरी है और हम लोग सब पूरे सपरिवार, मैं, मेरी पत्नी धर्म पत्नी जयश्री सुरेंद्र सिंह, मेरी बेटी सुरभि ठाकुर, हम लोग सब साथ में आए वोट डालने के लिए। बुरहानपुर से तफजल हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। बुरहानपुर पहुंचे खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव अधिक मतदान होने से काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि देश से पीएम नरेंद्र मोदी की रवानगी तय है। पीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले व्यक्ति की भाषा शैली से देश की जनता परेशान है और जनता ने अपना फैसला दे दिया है। अब इसके लिए तो 23 तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि देश की जनता झूठे और वादा खिलाफी प्रधानमंत्री को जान चुके हैं और इसका उनकी रवानगी तय है। जिस तरह की अनलगल बयानबाजी, और मुझे आश्चर्य होता है कि देश का जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूरे विश्व की, लोकतंत्र है अपना हिंदुस्तान, उसका प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं पिछले साल महीनों में दिनों में, वो बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। बुरहानपुर से तफजल हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। रतलाम में विदाई से पूर्व दुल्हन ने लोकतंत्र के महापर्व में अपना फर्ज निभाया। रतलाम के अलकापुरी में चल रही शादी में विदाई से पहले दुल्हन मतदान केंद्र पहुंची और अपना वोट डाला। रतलाम के वार्ड क्रमांक 5 के अंबिका नगर के पीछे बने सर्वोदय नगर के रहवासियों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया। वहीं रतलाम एसपी और कलेक्टर ने सामान्य लोगों की तरह ही मतदान में हिस्सा लिया। मतदान के बाद दोनों ने जनता के सामने अपनी खुशी का इजहार किया। रतलाम से 7 किलोमीटर दूर ग्राम करमदी में बूथ क्रमांक 253 में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद उसे अधिकारियों ने बूथ पर पहुंचाकर उसे चेंज किया। करीब 1 घंटे तक इससे मतदान प्रभावित रहा। आप मतदान नहीं कर रहे हैं आज? जी, हमारा मेन कारण ये है कि हमारा जो कॉलोनी की समस्या है, पहली बात पानी का जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ कनेक्शन तो दिया है ऑलरेडी,
पर जो मेन कनेक्शन है वो जोड़ा नहीं गया अभी तक, और यहाँ की जो रोडे हैं वो चारों तरफ से बंद कर दी गई है। दो तरफ रोड जो दिया था, रास्ता दिया था, वो बंद कर दिया गया। अब जो एक जो रास्ता है उसको भी बंद करने के लिए लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे, और पानी के लिए हमको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती है। मंदसौर नीमच जावरा लोकसभा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता पोलिंग बूथ पर पहुंचे और जावरा भगत सी कॉलेज में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने देश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में हमने जो कार्य किए हैं उसको लेकर जनता ने आकलन किया तो पाया कि 5 सालों में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है जिससे जनता खुश है। लोगों के मन में भाव है कि मोदी दूसरे चरण में आए, तो चेहरों पर नहीं लगता है। काम हमने पिछले 5 सालों में किए तुलनात्मक तरीके से भी जब लोगों ने इसका स्क्रीनिंग किया है तो हमारी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी और हमारे कामों का, और जब जनता ने आंकलन किया तो कहीं बेहतर काम हमारे उसको पाया है। खंडवा संसदीय क्षेत्र के नेपानगर से 4 किलोमीटर दूर ग्राम बदनापुर में 105 वर्षीय महिला माहोबाई ने व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। माहोबाई ग्राम बदनापुर के मतदान केंद्र क्रमांक 95 में मतदान कर सबसे वृद्ध महिला मतदाता बनी। माहोबाई में ने अब तक 14 बार लोकसभा चुनाव में अपने मत का उपयोग किया है। माहोबाई व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान करने पहुंची। मतदान किया कितने वर्ष की? ये इनका अभी मतदान हुआ है, मतदान लेकर आ रहे हैं और ये अभी 105 वर्ष की हैं और इनने लोकसभा चुनाव में 14वीं बार मतदान कर चुकी हैं। ये इससे युवाओं को क्या प्रेरणा मिल रही है? युवाओं को ये प्रेरणा मिलती है कि अपना मतदान स्वयं जाके करें और किसी के बहकावे में ना आए, और मतदान जरूरी करना है। बड़नगर उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़नगर तहसील में मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। इसके साथ कई युवा मतदाता जिन्होंने पहली बार वोट डाला वो काफी खुश दिखाई दिए। सभी मतदान केंद्रों पर विकलांगों एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अलग व्यवस्था रखी गई थी। कड़ी पुलिस व्यवस्था एवं प्रशासन की मुस्तैदी के साथ मतदान संपन्न हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी आई थी। उन्नति और आतंकवाद पर रोक, महिलाओं की सुरक्षा, ग्रामीण विकास, सब कुछ। आखिरी चरण में उज्जैन आलोट लोकसभा में हो रहे चुनाव को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। दोपहर 1 बजे तक करीब 49% मतदाताओं ने अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। आम मतदाताओं के साथ ही जनप्रतिनिधियों, नेताओं के साथ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों ने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया। संभाग आयुक्त अजीत कुमार उज्जैन दक्षिण के मतदान केंद्र क्रमांक 211 दमदमा पर मतदान करने पहुँचे। हाँ, ये हम सभी का दायित्व है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और यही निर्देश सभी प्रशासन के और पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को भी दिया गया है। और जिस भी माध्यम से EDC हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो या व्यक्तिगत रूप से जाके आप वोट कर रहे हैं, तो वो अवश्य करें और यही सबसे अपील भी है। नागदा में भी मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ दिखाई दी। तेज गर्मी होने के बावजूद भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान किया। नागदा के बीरल ग्राम क्षेत्र में नवविवाहित जोड़ा मतदान करने पहुंचा। वहीं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने अपने परिवार सहित मतदान किया। तो अभी आप देख रहे थे लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति पर News 29 India की ये खास रिपोर्ट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 India के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।